अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो। डियर वीवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें आज हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स है तो वो कौन कौन से हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाइल एनीवन कैन कैच इन्फेक्शियस डिजीज़, यू मे बी मोर लाइकली टू गेट सिक इफ़ यूअर इम्यून सिस्टम इजंट वर्किंग प्रॉपरली। जब एक बंदे की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तब ऐसे बंदे को बार बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम का वीक होना या उसका प्रॉपरली वर्क ना करना, ये एक क्या है, रिस्क फैक्टर्स है। दिस में ऑकर इफ, ये जब हो जाता है तो यू आर टेकिंग स्टेरॉइड्स और अदर मेडिकेशंस दैट सप्रेस यूर इम्यून सिस्टम। ये क्यों होता है, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल करता है या ऐसा मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, सच एज़ एंटी रिजेक्शन ड्रग्स फॉर ए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। जब एक बंदा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है तो उसको एंटी रिजेक्शन ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है। और ये क्या होती है, ये एक रिस्क फैक्टर्स होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। यू हैव एचआईवी और एड्स, यू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर और अदर डिजॉर्डर दैट इफेक्ट योर इम्यून सिस्टम। अगर किसी को एचआईवी या एड्स हो जाती है या फॉर एग्जांपल कैंसर हो जाती है, तब भी उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाती है। इन एडिशन सर्टेन अदर मेडिकल कंडीशन में प्रीडिस्पोज यू टू इन्फेक्शन, और इसी तरह कुछ मेडिकल कंडीशंस और भी है जो आपको इन्फेक्शंस के लिए क्या करती है, प्रीडिस्पोज करती है, इंक्लूडिंग इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइसेस। और इसी तरह अगर किसी इंसान में कोई मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है किसी को, एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एज या बहुत ज़्यादा एज का हो जाता है एमोंग अदर्स, और इसी तरह ये सब जो है ये क्या है, ये रिस्क फैक्टर्स है इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने कहा कि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, तो कैंसर में भी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, या जिस तरह हमने कहा कि कोई बंदा जो होते उसमें कोई मेडिकल डिवाइसेस इम्प्लांट किया जाता है, या ऐसा बंदा जिसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके उसको स्टेरॉइड मेडिकेशन दी जाती है, या कोई बंदा माल न्यूट्रिशन हो, यानी माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या किसी बंदे का एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी वो कमज़ोर हो जाती है, तो इन सारे कंडीशंस में इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह क्या होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ काज हो जाती है। अच्छा, फिर क्या है, कम्प्लिकेशंस। कम्प्लिकेशंस में क्या कहते हैं, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ हैव ओनली माइनर कम्प्लिकेशंस। ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं वो माइनर कम्प्लिकेशंस रखते हैं, यानी छोटे कम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें, बट सम इन्फेक्शंस सच एज नमूनिया, एड्स एंड मेनिनजाइटिस कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे नमूनिया, एड्स और मेनिनजाइटिस, जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ठीक है, यानी जो फैटल होते हैं, जो डेथ काज करते हैं। ए फ्यू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हैव बीन लिंक्ड टू ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। सॉरी, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो कैंसर के रेस्पेक्टर्स जो होते हैं, कैंसर के लिए रेस्पेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, यानी उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज लिंक्ड टू सर्वाइकल कैंसर। इसी तरह अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसी को ज़्यादा टाइम से हो तो उसमें क्या हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज लिंक्ड टू स्टोमिक कैंसर एंड पेप्टिक अल्सर। इसी तरह एच पाइलोरी जिसको हम कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया होती है स्टोमिक में, तो उसकी वजह से स्टोमिक कैंसर हो सकती है या पेप्टिक अल्सर काज करती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी हैव बीन लिंक्ड टू लीवर कैंसर। और इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जो होती है वो क्या करती है, लीवर कैंसर काज करती है। इन एडिशन सम इन्फेक्शियस डिजीज मे बिकम साइलेंट ओनली टू अपीयर अगेन इन द फ्यूचर। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो दोबारा क्या हो जाते हैं, दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, समटाइम्स इवन डिकेड्स लेटर, और कुछ सालों बाद जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल someone whose had chicken pox may develop shingles much later in life, यानी अगर कोई बचपन में किसी को chicken pox हो जाती है तो उसको बाद में काफ़ी सालों बाद उसको shingles disease जो होती है वो cause हो सकती है या हो जाती है, ठीक है। prevention में क्या कहते हैं, follow these steps to decrease the risk of infection। ये कुछ tips दी गई हैं, इसकी वजह से क्या होती है infections को
प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको डिक्रीज कर सकते हैं। वॉश यूर हैंड्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। ये ऑलरेडी पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाथ वॉश करना जो थे वो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बिफोर ईटिंग या प्रिपेयरिंग फूड या टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है। एंड ट्राई नॉट टू टच योर आइज नोज और माउथ विद योर हैंड्स एज दैट ए कॉमन वे जर्म्स एंटर द बॉडी। कोशिश करें जब तक हाथ साफ ना हो तो उस हाथ से आइज नोज और माउथ को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इन्हीं जगहों की वजह से या इन्हीं जगहों के थ्रू जर्म्स जो है बॉडी में एंटर हो जाते हैं। गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस योर चांसेस ऑफ कंट्रैक्टिंग मैनी डिजीजेज। और इसी तरह वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिन इन्फेक्शंस के लिए वैक्सीन मौजूद हो तो वैक्सीन करना चाहिए, क्योंकि उस वैक्सीन की वजह से उस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। मेक श्योर टू कीप अप टू डेट ऑन योर रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस एज वेल एज योर चिल्ड्रन। जिस टाइम के साथ साथ जो नए नए वैक्सीन आते हैं उसे अपडेट रहना चाहिए, और साथ में अपने बच्चों को भी वैक्सीन करना ज़रूरी है। स्टे होम व्हेन इल, अगर कोई बीमार है तो वो घर में ही स्टे करना चाहिए। डोंट गो टू वर्क इफ़ यू आर वोमिटिंग, हैव अ डायरिया और हैव ए फीवर। अगर किसी को फीवर है या डायरिया है या उल्टी कर रहा है तो वो उसको घर में स्टे आराम करना चाहिए, ड्यूटी वर्क वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। डोंट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल इफ ही और शी हैज़ दीज साइंस आइदर। अगर आपके बच्चों को भी ये बीमारी हो, मतलब फीवर हो या डायरिया हो या ओमिटिंग हो, तो उनको भी स्कूल वगैरह नहीं भेजना चाहिए। आल्सो प्रॉम्प्टली रेफ्रिजरेट लेफ्ट ओवर्स, डोंट लेट कुक्ड फूड्स रिमेन एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रूम टेम्परेचर में कोई खुराक वगैरह इस तरह नहीं रखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि फ्रेश खुराक जो है वो तैयार किया जाए, और जो एक टाइम का खुराक हो दूसरे टाइम तक नहीं रखना चाहिए। जिस तरह पहले मैंने आपको कहा कि उसमें अक्सर इकोलाई वगैरह की अटैक होती है और उनकी टॉक्सिन वगैरह उसमें होती है, जिसकी वजह से फिर जितनी भी लोग उस खुराक को खाते हैं तो सबको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अच्छा, प्रैक्टिस सेफ सेक्स, ऑलवेज यूज कंडोम्स इफ़ यू आर योर पार्टनर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और हाई रिस्क बिहेवियर। अगर किसी पार्टनर को यानी बीवी को या हस्बैंड को ऐसी कोई इन्फेक्शंस हो जो सेक्सुअली और ट्रांसमिट होती है, तो ऐसे कंडीशंस में फिर सेक्स के दौरान कंडोम इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, यूज़ यूर ओन टूथब्रश, कॉम एंड रेजर। दूसरे लोगों की एटम्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपना पर्सनल चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल टूथब्रश, कॉम और रेजर वगैरह, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से भी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। अवॉइड शेयरिंग ड्रिंकिंग ग्लासेस और डाइनिंग यूटेंसिल्स। इसी तरह खुराक और पानी की बर्तन वगैरह जो है वो भी शेयर नहीं करना चाहिए। ट्रैवल वाइजली, If you are traveling out of the country, talk to your doctor about any special vaccinations. अगर आप कहीं बाहर विजिट करते हैं तो या ट्रैवल करते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए, और उसके लिए अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हो, कोई वैक्सीन वगैरह लगानी हो तो वो लगाना चाहिए, सच एज़ येलो फीवर, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए आर बी और टाइफाइड फीवर। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो फीवर, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए बी या टाइफाइड वगैरह, ऐसी कोई रिस्क हो तो उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर हो और डॉक्टर बताए तो उसके मुताबिक आप उस मेजर्स को फॉलो करें। थैंक यू जी, इट्स ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर किसी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स को कहीं पे कोई मसला हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स और व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो मेहरबानी करें हमारे चैनल क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान क्लिक करें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए टाइम पर। इस वीडियो और इसको लाइक करें और साथ में शेयर करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।